से सनसनी फैल गई है। छत पर सो रही महिला और उसकी बच्चियों पर जानलेवा हमला किया गया। महिला और बच्ची की चाकू और ईंटों से उछलकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने मासूम बच्ची की हत्या कर खाली प्लॉट में फेंका शव। दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घर के पीछे से चढ़कर हत्यारों ने यह वारदात को अंजाम दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। लखनऊ बाराबंकी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बदमाशों ने मासूम बच्ची की हत्या कर खाली प्लॉट में शव फेंका है। बदमाशों के खूनी तांडव से सनसनी फैल गई है। दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घर के पीछे से चढ़कर वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। महिला और बच्ची की चाकू से और ईंटों से हत्या की गई है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। सत्येंद्र हमारे संवाददाता लाइव इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ने। सत्येंद्र, बाराबंकी में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर इतनी बेरहमी से एक महिला और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या जानकारी है? जी, बताना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है तो रेरा थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां पर आज रात जो है कुछ बदमाश एक छत पर जो है छत के पीछे से चढ़कर एक बच्ची को और एक माँ को जो है उसने जो है चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर डाली और शव को जो है घर के पीछे एक मैदान में फेंक दिया है। उसके बाद में जब एक दूसरी बच्ची जो चिल्लाने लगी, उसके बाद ग्रामीण जब जागे और वहां पर दौड़े, तब तक की बदमाश भाग चुके थे। हालांकि जो है सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अभी जो है छानबीन में जुटी हुई है। टीम भी और डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है मौके पर पहुंच गई है। जी, लेकिन सत्येंद्र, बदमाशों ने किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया? तमाम गांव वाले आस पड़ोस में होंगे, क्या किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि इतनी बेरहमी से पहले महिला को मौत के घाट उतारा, फिर बच्ची को जो है मौत के घाट उतारा, फिर उसके शव को पीछे फेंक दिया गया, लेकिन आसपास के लोगों का क्या कानों कान खबर तक नहीं हुई इस पूरी वारदात की? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे के बाद जो है बदमाश जो है छत के पीछे से चढ़कर जो है उन लोगों की हत्या कर दी है, बेरहमी से हत्या कर दी है और शव को जो है मैदान में फेंक दिया है, पीछे घर के पीछे फेंक दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस पर जो है कार्रवाई करता है, इन बदमाशों को पकड़ पाता है या इनकी शिनाख्त लगा पाता है कि नहीं। जी ठीक है, सत्येंद्र बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अभी तक बदमाशों का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन बदमाशों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है। दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है, लेकिन महिला और एक और बच्ची को आपको बता दें मौत के घाट इन बदमाशों ने उतार दिया। अरे भैया फोन अभी का नहीं है यार, ये तो बस सूख गया यार। और लखीमपुर खीरी से खबर है, अवैध खनन